तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। गाइस कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया 2023 के थर्ड ओडीआई मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। दोस्तों, अगर मैच के पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी आपको दी जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 22 मार्च को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग। दोपहर के 1:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी एमएस चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो ये पहली टीम इंडिया की बात करें तो जहां 5 मैच में से 4 मैच जीत के आ रही है, वहीं 1 मैच हार के आ रही है। वहीं दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 5 मैच में से 4 मैच जीत के आ रही है और 1 मैच हार के आ रही है। टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे दोनों का लगभग इक्वली परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पे इंडिया 5 मैच जीत के आ रही है तो ऑस्ट्रेलिया भी 5 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे भी लगभग दोनों का इक्वल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ज्यादा देर न करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे इंडिया का 80% देखने को मिल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया का भी 80% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो इंडिया का 281 है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का 217 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो इंडिया का 409 है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का 355 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो इंडिया का 111 है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का 100 है। तो ये नहीं दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे भी लगभग दोनों का इक्वली कंपेरिजन देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज का मैच है, वेदर कैसी रहेगी? तो मोस्टली क्लाउडी रहेगी, 31.1 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगी, यानी मौसम पूरी तरह खराब रहने वाली है। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो 76% रहेंगे, वहीं वर्षा होने की चांसेस 88% रहने वाली है। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है? इस पिच पे अभी तक टोटल 13 मैच प्ले किए गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि इस पिच पे डिफेंस में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जो भी टीम अगर मैच चेस करती है। तो टीम के लिए प्लस पॉइंट हो सकती है कि टॉस जीत के बैटिंग चूज करे। अगर इस पिच पे देखें तो फर्स्ट इनिंग में 223 रन में भी लगने की संभावना है। अगर वहीं सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 194-195 लगभग रन लग सकती है इस पिच पे। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पहली टीम इंडिया की बात करें तो नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। अभी तक 2 सीरीज खेल के आ रही है, जिसमें से फर्स्ट सीरीज जीत के आ रही है और सेकंड सीरीज हार के आ रही है। तो यहाँ पे बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप इंडिया का ठीक है, कम्बिनेशन भी जबरदस्त देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज थर्ड ओडीआई है तो पूरी कोशिश करेगी जीतने के लिए। वही दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो नो डाउट काफ़ी जबरदस्त टीम है ये भी। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तो ये भी अपना फर्स्ट मैच हार के आ रही है और दूसरा मैच जीत के आ रही है। तो दोनों के बीच में आज थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा, तो दोनों जी जान लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे फाइट भी होगी दोनों के बीच में। तो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ता है, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉल्स पे। अब चलते फ्रेंड दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम इंडिया की प्लेयर की बात करें तो रविंदर जडेजा, शुभम गिल, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव। वहीं दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर की बात करें तो मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोनिस, मिचेल स्टार्क। ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए इंडिया हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।